आईपीएल के लिए पुरानी 8 टीमें अपने अपने खिलाड़ी रिटेन कर चुकी हैं। अब नई 2 टीमें भी अपनी अपनी स्क्वाड बनाने में जुटी हैं। जिन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया गया वह क्यों नहीं रिटेन हुए, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें हार्दिक पांड्या एक बड़ा नाम है। कुछ महीने पहले तक यह माना जा रहा था कि मुंबई में जो खिलाड़ी निश्चित रूप से रिटेन होंगे उनमें हार्दिक पांड्या का नाम शामिल होगा, लेकिन अब स्थिति बदल गई। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, किरण पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव को रिटेन कर दिया। कई क्रिकेट प्रेमी हार्दिक पांड्या के रिटेन नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं। अब न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डेनियल विटोरी ने दावा किया है कि हार्दिक पांड्या के रिटेन नहीं होने का कारण केएल राहुल भी हो सकते हैं। आप ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विटोरी ने कहा है कि कई बार खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलने का इच्छुक होता है। संभव है कि हार्दिक पांड्या नए खिलाड़ियों विशेषतः केएल राहुल के साथ खेलना चाहते हों। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है, दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। केएल राहुल भी पंजाब की टीम में रिटेन नहीं हुए हैं, उन्होंने रिटेन होने से मना कर दिया था। इसी तरह संभवतः हार्दिक पांड्या ने भी रिटेन होने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया हो। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसलिए दोनों के विचार मिल भी सकते हैं। इसके अलावा विटोरी के हिसाब से एक और कारण हो सकता है। विटोरी ने कहा है कि पैसों को लेकर भी हो सकता है बात न बनी हो। मुंबई इंडियंस के लिए किसी भी सूरत में रोहित पहला और बुमराह दूसरा रिटेंशन रहे होंगे। पांड्या का नंबर तीसरा या चौथा रहा होगा। संभव है कि यह स्थान पांड्या को पसंद न आया हो और पैसों के मामले में बात न बनने पर हार्दिक पांड्या ने रिटेन होने से मना कर दिया हो। हालांकि ये दोनों बातें ही डेनियल विटोरी ने अपने अनुमान के अनुसार कही हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस में रिटेन नहीं होने के बाद हार्दिक पांड्या ने हाल ही में ट्वीट करके कहा था कि मुंबई इंडियंस के साथ बिताए पल मेरे जीवन के सबसे यादगार पल रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा कि इस टीम के साथ बिताए पलों का मेरे दिल में विशेष स्थान है। लेकिन कहते हैं कि हर अच्छी चीज का अंत होता है, मुंबई इंडियंस सदा मेरे दिल में बनी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।